चलो दोस्तों, पहला सवाल आज का, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो अमाउंट हीट का जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करता है, उसी को हम लोग आपका मेजर करते हैं कि इसमें जूल में। तो आपका इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल केजी पर केल्विन। तो विशेष ऊष्मा का मात्रक जूल केजी पर केल्विन होगा। क्या होता है आपका विशेष ऊष्मा, विशेष ऊष्मा जूल में वो अमाउंट है जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन चाल और वेग का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप जितने भी ऑप्शंस आप यहां पर देख रही हैं, मीटर पर सेकेंड या फुट पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऊपर आपका डिस्टेंस और नीचे टाइम, लेकिन जो ग्राम दिया हुआ है ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, इस वजह से जो मात्रक नहीं होगा आपका वो कौन नहीं होगा, वो ग्राम पर सेकेंड नहीं हो सकता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपको एक दी हुई लिस्ट फर्स्ट और दूसरी दी हुई लिस्ट सेकेंड, आपको यहां पर मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में सॉलिड इंपल्स विस्कोसिटी और प्रेशर यानी घन कोण आवेग क्षमता और दाब और इनके यूनिट पास्कल स्टेरेडियन न्यूटन सेकेंड और पास्कल सेकेंड में क्या होंगे। तो आपको पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो यानी डी के साथ वन आना चाहिए, डी के साथ वन इन दो ऑप्शन में आ रहा है, तो आपके जवाब ए और बी में से कोई एक छुपा हुआ है। साथ साथ में अगर आप बात करोगे वेस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो पास्कल सेकेंड होता है, तो वेस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड, तो या जिसी को आप पॉइज भी कहते हो, तो यहां पर अब आपको जवाब क्लियर हो गया इतने से। अगर जवाब आप करोगे तो अब जवाब पता है कि सी के साथ फोर आना चाहिए, जवाब बी यहां पर क्लियर है। और अगर देखें तो सॉलिड का जो होगा, सॉलिड यानी घन कोण का, वो होगा स्टेरेडियन, और साथ साथ में अगर हम इंपल्स की बात करें यानी आवेग की, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। तो ये आपके जो यूनिट है वो आपका इस तरीके से रहे, तो इनको सही मैच किया और जवाब हमारा निकला बी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, प्लैंक नियतांक का विमिसूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक कॉन्स्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट जिसको कि हम एच कहते हैं, बराबर क्या होता है आपका, ई अपॉन वी यानी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, अब यहां पर इनके अगर ऐसा ही इनके अगर हम डायमेंशन रखते हैं, तो डायमेंशन रखने पर आपको यहां पर पता चल जाएगा कि जो इसका डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल की पावर 2 टी की पावर -1, यानी जवाब आपका हो जाएगा ए। और अगर तुमसे यहां पर एसआई यूनिट पूछी जाती प्लैंक कांस्टेंट की, तो एसआई यूनिट आपका होती है जूल सेकेंड। तो ये भी ध्यान रखना है आपका कि एसआई यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड। अगले बात क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो आप सबको पता है यहां पर कि वेक्टर क्वांटिटी इनमें से अकेले मोमेंटम होगा, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी इकाई होती है, वेलोसिटी आपका इकाई होती है सदिश। अब एक सदिश और एक अदिश का गुणा भी क्या होता है, सदिश। एक वेक्टर, वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर होता है, तो मोमेंटम कैसी इकाई हुई, सदिश इकाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, यदि एक कण का विस्थापन शून्य है तब उस कण द्वारा तय की गई दूरी है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अगर किसी चीज किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो मे आर मे नॉट बी जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जब एक नियत बल एक पिंड पर कार्य करता है, When a constant force is applied to a body, it moves with a uniform, या एक समान किससे चलता है, जब भी कभी किसी भी पिंड पर एक नियत बल कार्य करता है तो हमेशा वहां पर एक acceleration होता है, त्वरण होता है, तो एक समान त्वरण से यह चलेगा, राइट। तो सही जवाब क्या है, acceleration according to the Newton's second law, राइट। जब भी कभी कोई भी आपका पिंड पर एक कोई नियत बल काम करेगा तो वो एक समान त्वरण से चलेगा। अगला सवाल आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निर्वात में सभी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों का क्या चीज समान होता है, इन वैक्यूम
ऑल फ्रीली अलाइंग बॉडी हैविंग द सेम, यानी किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो जब वैक्यूम में आपका जितने भी पिंड हैं गिरेंगे उनका एक चीज समान होगी और वो होगी आपका उनका एक्सेलरेशन यानी त्वरण, वो एक समान त्वरण से ही आपका गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मूव करते हैं एंड दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन, किसी पिंड का गुरुत्वीय और आंतरिक द्रव्यमान क्या होता है, द ग्रेविटेशनल एंड इंटर इनर्शियल मासेज ऑफ अ बॉडी इज, तो दोनों आपका क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, तो किसी भी आपका पिंड का ग्रेविटेशनल और इनर्शियल जो मास होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ क्वेश्चन, यदि चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार 12.5 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार होगा, इफ अ मैन वेट 12.5 केजी ऑन द मून हाउ मच विल हिज वेट ऑन द अर्थ, आपको पता है चंद्रमा का पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का 1/6 है, तो यहां पर पृथ्वी पर निकालना अर्थ पर, तो बस मल्टीप्लाई बाई 6 कर दीजिए, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा कितना 75 केजी। अगले सवाल पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11th, जब तेल की एक बूंद पानी की सतह पर डाली जाती है तो पानी की बूंद क्या होगी, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज अलाउड टू टच द सरफेस ऑफ वाटर द ड्रॉप ऑफ ऑयल विल, ये क्या हो जाएगा फैल जाएगा पानी की ऊपरी जो सतह है उस पर पतली सतह के रूप में फैल जाएगा, स्प्रेड आउट इन थिन फॉर्म ओवर वाटर सरफेस, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल कौन सा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको डियर स्टूडेंट्स कोहेशन यानी ससंजन फोर्स कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। और अगर बात होती अनलाइक मतलब अगर दो असमान प्रकार के अणु होते तो उनके बीच में जो काम करता है उनके बीच में काम करता है एडिशन यानी असंजन बल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, W, J और H, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो आपको पता है यहां पर जूल क्या होता है, जूल आपका ये W अपॉन H होता है, तो J इक्वल टू W अपॉन H होता है यानी H इक्वल टू W अपॉन J हो जाएगा और W इक्वल टू J इंटू H हो जाएगा, यानी जो सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है, H इक्वल टू W अपॉन J सही नहीं है। आपको पता है कि W अपॉन H हमेशा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देता है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी देता है और वो कितना होता है 4.186 जूल, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि 4.186 जूल आपको चाहिए होगा अगर आपको एक किलोग्राम वाटर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, तो आपको जो ऊर्जा चाहिए होगी वो 4.86 जूल चाहिए होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अगला सवाल आपका है, पर्वत पर एक ग्लेशियर कहां से पिघलेगा, अ ग्लेशियर ऑन अ माउंटेन विल मेल्ट अर्लियर, ग्लेशियर बहुत बड़े होते हैं, इनका 90% भाग आपका पानी के अंदर होता है, समुद्र में तैरते रहते हैं, और अगर आपका ये पिघलना शुरू करते हैं तो डेज फ्लुएंस ये हमेशा बॉटम से पिघलना शुरू करते हैं, तो करेक्ट आंसर कि ये पिघलना कहां से शुरू करेंगे, बॉटम यानी तली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीटर, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं, तो आपको पता है जो जितना अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है, तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर ऑफ हीट्स, तो आपका जवाब यहां पर कंफर्म हो चुका है आपको कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट्स आर गुड इमीटर ऑफ हीट, यानी अच्छे अवशोषक ही क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आपका 16 ये रहा, न्यूक्लियर साइज को किस मात्रक से दर्शाते हैं, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, तो न्यूक्लियर साइज को दर्शाने के लिए हम लोग फर्मी का इस्तेमाल करते हैं और एक फर्मी बराबर होता है डियर स्टूडेंट 10^-15 meters, तो 10^-15 meters ये होता है 1 फर्मी और फर्मी को आपका न्यूक्लियर साइजेस को यानी बहुत ही छोटी साइजेस को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 ये रहा,
द हाइएस्ट टेम्परेचर विच कैन बी रिकॉर्डेड बाई अ मेडिकल मर्करी थर्मामीटर इज, जो आप सामान्यतः अपना बुखार फीवर वगैरह नापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हो, दैट इज मेडिकल मर्करी थर्मामीटर। और इससे कितना उच्चतम तापमान नापा जा सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है अगर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर बात करें तो 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर आप इससे मीजर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 18 नंबर क्वेश्चन। एकाणविक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी का मान कितना होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द मोनोमेटिक गैस गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू द 1.66। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर ये रहा। मायोपोइया जिसको आप निकट दृष्टि दोष कहते हो, इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपोइया इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए किस तरीके का लेंस यूज करते हैं, तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि मायोपोइया को दूर करने के लिए करेक्ट करने के लिए कॉनकेव यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस के प्रयोग से क्या होता है, ये जो इमेज होती है उसको रेटिना पर बनाने में फोकस करने पर मदद करता है, यानी कॉनकेव लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लेजर और प्रिज्म में जो कांच उपयोग होता है वो कौन सा टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म्स, तो जो लेंस और प्रिज्म को बनाने में कांच उपयोग होता है वो कांच आपका होता है फ्लिंट ग्लास डियर स्टूडेंट्स, और ये फ्लिंट का ग्लास बहुत ही हाईली रिफ्रेक्टिव होता है, दैट इज हाईली रिफ्रेक्टिव लेट कॉन्टेनिंग ग्लास एंड दैट इज यूज टू मेक द लेंसेज एंड प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट्स 21 नंबर है। अ रेड रिबन प्लेस्ड इन अ ग्रीन लाइट विल लुक, अगर आप एक लाल रिबन को हरे प्रकाश में रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। जब भी कभी आप रेड रिबन को रखेंगे प्रकाश, रेड रिबन जो क्या करेगा, रेड कलर की वेवलेंथ आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा, और आपको पता रेड कलर की वेवलेंथ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जितने भी आपका लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें से। लेकिन जब आप रेड रिबन को आप ग्रीन लाइट में रखेंगे तो करेगा क्या आपका, ये जितनी भी आपका ग्रीन लाइट कैसी होगी, इसकी वेवलेंथ बड़ा ही कमजोर होगी, तो ये जितनी भी ग्रीन लाइट है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये सारी ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा जो रेड रिबन है, तो इसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और जब ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो जो कलर दिखाई देगा, जो कलर अपीयर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो सही जवाब आपका यहां पर आपको पता चल चुका है क्या होगा, ब्लैक। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल 22 ये रहा आपके सामने। मैग्नेटिक फील्ड ये कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, स्केलर एज वेल एज वेक्टर है, नीदर वेक्टर आर नॉर स्केलर, तो भाई आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों चीजों से एसोसिएटेड होती है, एज डायरेक्शन विद द फील्ड एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा और उसकी जो स्ट्रेंथ है दोनों पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने 23 नंबर ये रहा। निम्न में कौन वैद्युत का रासायनिक स्रोत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल सोर्स ड्राई सेल, लेड एसिड सेल, डेनियल सेल सभी होते हैं, लेकिन डायनेमो आपका इसका रासायनिक सूत्र नहीं है। अगला सवाल डियर स्टूडेंट्स 24th। निम्न में कौन सा अम्ल कार बैटरी में यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन अ कार बैटरी, तो आपको पता है कार में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं H2SO4 को, जिसको क्या पानी के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 25th नंबर क्वेश्चन। एक डीसी मोटर की क्षमता हो सकती है, कोई भी अगर आपका आइडियल मोटर है तो उसकी क्षमता मैक्सिमम जो हो सकती है, मैक्सिमम क्षमता 100%, लेकिन कोई भी मशीन आपका 100% आपका इफिशियंसी रखती हो, इतना दक्ष नहीं है। तो ऐसे में
अगर हम किसी मोटर की क्षमता की बात करें तो मोर देन वन तो हो ही नहीं सकती है, जवाब आपका सिर्फ एक ही है, दैट इज लेस देन वन, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके टॉप 1000 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, जो कि हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहां पर कर रहे हैं, आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके की आपके पूरी की पूरी आपका क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाए, सारे के सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस और आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसपे हम लोग अगले 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज के होंगे, उन पर बात करेंगे अगले वीडियो में।